नमस्कार, मैं कृष्णा शर्मा उज्जैन टीवी की ओर से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के प्रमुख समाचारों पर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत महाकाल विस्तारीकरण, इस्कॉन मंदिर कार्यशाला व विद्या भारती का करेंगे अवलोकन, विभिन्न कार्यक्रमों में होंगे सम्मिलित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत शनिवार को जबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन से उज्जैन पहुंचे। सुरक्षा के बीच भागवत सीधे इस्कॉन मंदिर गए। उनके उज्जैन स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को छावनी में तब्दील कर दिया गया। डॉक्टर भागवत 22 फरवरी तक उज्जैन में रहेंगे, वे इस्कॉन मंदिर में रुकेंगे। 3 दिवसीय उज्जैन प्रवास पर पधारे सर संघ चालक मोहन भागवत ने इस्कॉन मंदिर के दर्शन किए। इस्कॉन मंदिर परिसर में भागवत की अगवानी इस्कॉन के बोर्ड मेंबर पंडित राघव दास एवं प्रेसिडेंट धीर गौर दास ने की। तीनों मुख्य मंदिरों के दर्शन के पश्चात मोहन भागवत ने इस्कॉन के संत भक्ति चारु महाराज जी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर आदरांजलि अर्पित की। नागशिरी थाना क्षेत्र में गाय को काटकर दफनाने का सनसनीखेज मामला आया है सामने। प्रशासन ने जेसीबी से शव को निकलवाकर प्रकरण किया दर्ज। थाना नागशिरी क्षेत्र अंतर्गत झामरे वाले बाबा धाम के पीछे असामाजिक तत्वों द्वारा गौ माता की निर्मम हत्या कर दफनाने का मामला सामने आया है। जब हिंदूवादी संगठनों को इसकी जानकारी मिली तो प्रशासन को सूचित कर सीएसपी वंदना चौहान, थाना प्रभारी विक्रम इव ने व पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से गड्ढा खोदकर गौ माता के शव को निकाला गया। वहां बोरे में बंद शव अलग अलग हिस्सों में मिला। इससे हिंदूवादी संगठनों में भारी आक्रोश फैल गया। बजरंग दल के महेश यादव का कहना था कि जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाते गौ माता के टुकड़ों को यहाँ से नहीं ले जाने दिया जाएगा। हालांकि एक अल्पसंख्यक आरोपी को पकड़ लिया गया है। उन्होंने घटना में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता भी बताई। ये रात को कुछ गाय काटी गई है और काट करके यहाँ पे गाड़ दी गई है, जिसकी सूचना बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को प्राप्त हुई तो आकर के अभी देखा तो गाय कटी हुई है और इसमें एक अपराधी भी पकड़ाया गया है जिसका नाम अताउल्ला खान है। और हमारी प्रशासन से ये मांग है कि अगर इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई, रासुका की प्लस मकान तोड़ने की इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई तो बजरंग दल उग्र आंदोलन करेगा। पुलिस की भूमिका क्या रही है? पुलिस उसमें कुछ कर्मी पुलिस कर्मी पाए गए हैं, उस समय पे थे वो और उनकी जानकारी अभी चल रही है, जांच चल रही है और जैसे ही नाम क्लियर होते हैं वो प्रशासन बताएगा ही सही। बाकी हमें पूरी शंका है कि उसमें 2 पुलिसकर्मी शामिल थे। वहीं सीएसपी वंदना चौहान का कहना था कि जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी। मैं मिली यहाँ पे कि एक रात्रि में कोई गाय को या पशु को ले जा रहे थे ट्रक से, उस समय कार्रवाई करते हुए ट्रक में या उस बाहर में कोई जानवर नहीं मिला। बाद में पता चला कि इस तरीके का यहाँ पर एक जानवर को जमीन में दफनाया गया है, उसी को निकाल के पोस्टमार्टम किया जा रहा है और जिसमें जो भी आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरोपी बताया जा रहा है कि एक हिरासत में लिया है, एक व्यक्ति है जिसे भी हिरासत में लिया है, बाकी उससे पूछताछ करके अन्य कोई इसमें आरोपी है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिसकर्मियों पे भी बात सामने आई है, ऐसी अभी एक प्राथमिक तौर पर एक बात सामने आई है कि रात को कुछ पुलिसकर्मी थे, इस पर हम जाँच करेंगे। शादी में रसोई बनाने पहुंची 19 वर्षीय युवती के साथ उसके परिचित ने किया दुष्कर्म। युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। धार की रहने वाली 19 वर्षीय युवती को उसकी दोस्त लता निवासी मोहन नगर ने शादी में खाना बनाने बुलवाया था। 18 फरवरी को बड़नगर के खरसोत खुर्द में रहने वाली 35 वर्षीय नकुल राजपूत लता और युवती को रसोई बनाने के लिए नागदा ले गया था। यहां से काम निपटाने के बाद रात हो गई तो नकुल ने सभी को गणेश नगर निवासी दोस्त के यहाँ रुकने का प्रस्ताव दिया। सभी ने सहमति दी और रात रुक गए। रात में नकुल ने धार निवासी युवती के साथ दुष्कर्म किया। युवती के शोर मचाने पर नकुल भाग निकला। घटना के बाद युवती ने चिमनगंज मंडी थाने में शिकायत की है। युवती की शिकायत पर थाने में दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत ASP आकाश सिंह भूरिया ने बताया। थाना चिमनगंज में आज एक रिपोर्ट आई है जिसमें खाना बनाने वाली एक महिला है जिसने अपनी साथी के दोस्त के मित्र द्वारा बलात्कार करने की रिपोर्ट की है, जिस पर से थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। 21 फरवरी से 1 मार्च तक महाकालेश्वर मंदिर में मनाया जाएगा शिव नवरात्रि पर्व। शिवरात्रि पर सेहरे और भस्म आरती के साथ में होगा समापन। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के अंतर्गत 21 फरवरी को पंचमी से महाशिवरात्रि पर्व की शुरुआत के पहले दिन पंचमी को सुबह 9 बजे से कोटेश्वर से अभिषेक व गर्भगृह में 11 दिन तक विशेष अभिषेक 11 पंडितों द्वारा किया जा रहा है।
संध्या के समय प्रतिदिन पंचामृत पूजन के बाद अलग अलग श्रृंगार से बाबा को श्रृंगारित किया जाएगा। साथ ही चंदन श्रृंगार, जलाधारी व विशेष वस्त्र अर्पित किए जाएंगे। माता पार्वती को प्रत्येक 9 दिन नया श्रृंगार जिसमें अलग अलग साड़ियां पहनाई जाएंगी। छठ के रोज शेषनाग, सप्तमी के दिन घटाटोप, अष्टमी के दिन छबीना दर्शन, नवमी के दिन मन महेश के दर्शन, दशमी के रोज शिव पार्वती, 11 पर शिव तांडव एवं 12 पर निराकार दर्शन होंगे व 24 घंटे जल अर्पित होगा। शिवरात्रि पर रात्रि जागरण, 4 पहर का पूजन एवं रात 12 से सुबह 4 बजे तक पूजन के बाद श्रृंगार व सेहरा दर्शन, 1000 बिल पत्र अर्पित कर सप्तधान प्रतिमा पर अर्पण होंगे। उसके बाद सेहरा चढ़ेगा, 12 बजे तक सेहरा दर्शन होगा। सेहरे के बाद प्रसाद वितरण, 2 बजे दोपहर से भस्म आरती दर्शन, ब्राह्मण भोज व दूज के दिन 5 मुखौटों की एक साथ झांकी प्रदर्शित होगी। पंडित महेश पुजारी ने जानकारी देते हुए बताया, और महाकालेश्वर में तो विशेष करते इसको नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। 9 दिन यहाँ पे विशेष पूजा अर्चना के साथ साथ भजन कीर्तन और कथा का भी यहाँ पर आयोजन होता है। महाकालेश्वर मंदिर में पंचमी के दिन से ये पर्व प्रारंभ होगा। कोटेश्वर जो तीर्थ कोटि पर जो है उनका प्रथम अभिषेक, और उसके पश्चात महाकालेश्वर के मंदिर में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक 11 ब्राह्मण द्वारा प्रतिदिन लघु रुद्र पूजन होती है। शाम के समय जो 5 बजे का पर्व होता है, जब निष्ठान जल चढ़ना बंद होता है, उसके बाद भगवान के श्रृंगार होते हैं और प्रतिदिन 9 दिन अलग अलग रूप से भगवान को सजाया जाता है। पंचमी के दिन भगवान को चंदन और वस्त्रों से भगवान को सजाते हैं। जलाधारी में मेखला होती है, ऊपर दुशाले होते हैं, और फिर एक एक दिन एक एक पर्व पर भगवान की प्रतिमा जो हमारे यहाँ रजत प्रतिमा है, 9 दिन जो प्रतिमा चढ़ाते हैं उस प्रतिमा को भगवान महाकालेश्वर की प्रतिमा के ऊपर सजा के आम भक्तों को दर्शन प्राप्त होता है। शिवरात्रि पर होने वाले दीपोत्सव में शिप्रा के घाटों पर लगेंगे 12,00,000 दीपक, 21,00,000 दीपकों से जगमगाएगा पूरा शहर। कलेक्टर ने लिया तैयारियों का जायजा। महाशिवरात्रि पर मोक्षदायिनी शिप्रा के आंचल सहित पूरे शहर को दीपों की रोशनी से जगमगाने की तैयारियां प्रभावी तरीके से जारी है। दीपोत्सव के अंतर्गत शहर को करीब 21,00,000 दीपों से सजाने की तैयारी है। इनमें से 12,00,000 दीपक सिर्फ शिप्रा के घाटों पर ही प्रज्वलित होंगे। इसके अलावा करीब 5,00,000 दीपक शहर के सभी घर प्रतिष्ठानों में और 4,00,000 दीपक मठ मंदिर प्रमुख चौराहे स्थल पर लगाने की योजना है। दीपोत्सव को लेकर बड़नगर रोड बड़े पुल से लेकर भूखी माता मंदिर तक नदी के दोनों ओर के घाटों पर करीब 12,00,000 दीपक लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए विभिन्न सेक्टर बनाने के साथ ही इनमें समान आकार के छोटे छोटे ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, UDA के पूर्व अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल व अन्य के साथ घाटों पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। जो दीपोत्सव की हमारी तैयारी है महाशिवरात्रि के दिन, और उसमें हम लोग बहुत बड़े भव्य पैमाने पर लगभग 21,00,000 दिए जो है पूरे शहर भर में जलें उस हेतु प्रयासरत है। और इसके 3 भाग होंगे। पहले भाग में जो घाट है हमारे लगभग नदी के दोनों तरफ 1.5 किलोमीटर के घाटों के स्टेज हैं, उसमें 12,00,000 दिए जो है हमारी तरफ से लगाए जाने का प्लान है। इसमें अलग अलग 120 सेक्टर बनाए गए हैं, उनके नोडल बनाए गए हैं, सहायक नोडल बनाए गए हैं, और लगभग 12,000 हमारे जो वॉलंटियर्स हैं उनकी पहचान भी करी गई है। जनता के प्रत्येक वर्ग से, प्रत्येक समाज से जो है लोग हमारे साथ इसमें जुड़ रहे हैं। इसके साथ साथ शहर के जो सार्वजनिक स्थल हैं, चाहे वो बड़े मंदिर हों, चाहे महाकाल मंदिर हो, हमारा चिंतामणि मंदिर हो, या फिर मंगलनाथ कालभैरव मंदिर हो, या दूसरे सार्वजनिक स्थल टावर चौक हो, कोठी महल हो, या कॉलोनियों के सार्वजनिक स्थल हो, यहाँ पर भी लगभग 4,00,000 जो है दिए लगाए जाने का हम लोगों का प्लान है, जिसकी हम लोगों ने पूरी शेड्यूलिंग कर ली है और सभी जनता की भागीदारी से उनको लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ सभी घर से, सभी रहवासियों से, सभी घरों से हम लोग अपील कर रहे हैं कि प्रत्येक घर में कम से कम 5-5 जो है दीपक प्रत्येक घर में जलें, जो संख्या हम मान के चल रहे हैं कम से कम 5,00,000 होगी। इस तरह से कुल मिलाकर 21,00,000 दीपों से जो है पूरे उज्जैन शहर को जो है वो जगमगाया जाएगा, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि इसमें जनता का पूरा सहयोग, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, हमको प्राप्त होगा और विश्व का सबसे बड़ा दीपोत्सव कार्यक्रम भी साबित होगा। नागझिरी उद्योगपुरी में हुई आगजनी, अगरबत्ती व प्लास्टिक स्विच बनाने वाली फैक्ट्री हुई स्वाहा, लाखों के नुकसान की आशंका। नागझिरी थाना क्षेत्र स्थित उद्योगपुरी की कहरवा इंडस्ट्रीज में रात 1 बजे अचानक आग लग गई।
जिससे फैक्ट्री में लगे उपकरण सहित लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फैक्ट्री में अगरबत्ती, प्लास्टिक स्विच एवं टाइल्स बनाई जाती थी। सीएसपी वंदना चौहान ने बताया कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि फैक्ट्री में चौकीदार मौजूद था। आगजीरी थाना क्षेत्र में उद्योगपुरी जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर एक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी रात्रि 1 बजे। उसमें काफ़ी आगजनी में काफ़ी नुकसान हुआ है। कहरवा इंडस्ट्री करके एक फैक्ट्री है जिसमें अगरबत्ती, बिजली के स्विचेस और टाइल्स बनने का कार्य होता था, उसमें आग लगी थी। नुकसान का आकलन अभी इसमें किया नहीं है, वो आकलन होने के पश्चात आपको बता पाएंगे कितना नुकसान हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई। तो ये थी उज्जैन शहर की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।